नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। आईपीएल 2024 सीजन के तहत राजस्थान रॉयल्स ने बीते दिन मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से रौंदने का काम किया। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक और संदीप शर्मा की घातक गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस को इस हार से तगड़ा झटका लगा है। हार से मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी निराश नजर आए। बिहार में नौकरियों की बहार आ चुकी है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के बाद अब बिहार में 4108 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। मई महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 4108 खाली पदों पर होने वाली नियुक्ति में 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। राजधानी में बाहर खाने पीने के शौकीनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खाने को लेकर बड़े होटल, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे के ठेलों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसको लेकर सोमवार को राजा बाजार स्थित प्रतिष्ठित घूमर रेस्टोरेंट में खाद्य संरक्षा पदाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस निरीक्षण की पोल खोल दी। बता दें कि रसोई में रखे रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ गंदगी व पानी जमा था और इस पानी में बहुत से कॉकरोच समेत कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए गए। पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि वे एनडी गठबंधन को वोट दें और अगर एनडी गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए उम्मीदवार को वोट दें। तेजस्वी की इस अपील पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडी गठबंधन के लोगों ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट ने सिंगापुर और हांगकांग में अपने प्रोडक्ट्स बैन होने की रिपोर्टों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा कि किसी भी देश में एवरेस्ट मसालों पर बैन नहीं है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स सेफ और हाई क्वालिटी के हैं। बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से निबंधन कार्य को काफी नुकसान पहुंचा है। जहां भूमि निबंधन कराने के लिए काफी चहल पहल देखी जाती थी, उस स्थल पर सन्नाटा पसरा है। इसके साथ ही कातिब मुद्रांक विक्रेता तथा दुकानदारों पर आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा है। रजिस्ट्रार ने बताया कि नई नियमावली के कारण भूमि रजिस्ट्री कार्य में कमी आई है, इस कारण राजस्व में भी कमी आई है। एक दिव्यांग बच्चे की मां को अपने बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिव्यांग बच्चों की कामकाजी माताओं को देखभाल अवकाश देने के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में विदेशी मंच पर भारत को लेकर बड़ी बात कही गई है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबियों में से एक अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को लेकर खुशी जताई है। उनका मानना है कि भारत नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अजित शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में यहां होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। अजित शर्मा के लिए उनकी बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने सोमवार को चुनाव प्रचार किया। नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए रोड शो भी किया। नेहा शर्मा ने अपने पिता के साथ थार पर सवार होकर शेरमाड़ी बाजार से कहलगांव तक रोड शो किया। सिपरी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सैन्य खर्च 2022 के मुकाबले 6.8% बढ़कर 24.4 खरब डॉलर पर पहुंच गया है। दुनिया का बढ़ता सैन्य खर्च यह भी साबित करता है कि दुनिया अब कम सुरक्षित महसूस कर रही है और कूटनीति के बजाय दूसरे तरीकों की ओर बढ़ती जा रही है। भारत साल 2023 में मिलिट्री पर खर्च करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। बिहार सरकार के सचिवालयों कार्यालयों में कमोबेश सुबह के 9:30 बजते बजते कामकाज शुरू हो जाता है। वरीय अधिकारी से लेकर अन्य पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कार्यालय पहुंचने का समय तय है। हालांकि सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि वरीय अधिकारी लेट लतीफी कर रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे अधिकारी कर्मचारी भी विलंब से कार्यालय पहुंच रहे हैं। अब ऐसे लेट लतीफ अफसरों को सरकार ने समय पर ऑफिस आने की हिदायत दी है।
अपनी विशिष्ट वेशभूषा और रिंग में दमदार उपस्थिति से अंतर्राष्ट्रीय फलक भारत का झंडा बुलंद करने वाले रिंकू सिंह राजपूत ने WWE को गुड बाय कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कोलकाता पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रेकी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने शख्स को मुंबई के माहिम इलाके से गिरफ्तार किया। शख्स की पहचान राजाराम रेगे के तौर पर हुई है। कोलकाता पुलिस ने बताया है कि राजाराम आतंकी है और उसका कनेक्शन मुंबई हमलों के हैंडलर डेविड हेडली से भी रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 25,000 से अधिक नियुक्तियां रद्द किए जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगातार मुखर रूप अपनाया है। उन्होंने कहा है कि कोई मुझे जेल भेजना चाहता है तो भेज दे, लेकिन जो लोग नौकरी गंवाए हैं उनके परिवार के साथ मैं खड़ी रहूंगी। उत्तर प्रदेश की छात्रा प्राची निगम ने मैट्रिक में 98.5% के असाधारण स्कोर के साथ राज्य की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल किया है। हालांकि उनकी उपलब्धि को उसके सकल सूरत को निशाना बनाने वाली ऑनलाइन ट्रोलिंग की लहर ने दबा दिया। ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बनी यूपी बोर्ड की मैट्रिक टॉपर प्राची के बचाव में कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता उतर आए हैं। उन्होंने ट्रोलर्स की निंदा की और युवा लड़कियों पर मनमाने सौंदर्य मानकों को थोपने का विरोध किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कुल 7 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर और पंजाब में 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बिहार में कांग्रेस का RJD के साथ गठबंधन है, जबकि पंजाब में वो अकेले मैदान में है। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान रविवार 21 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। इस मैच के दौरान विराट कोहली को आउट दिए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। नो बॉल ना दिए जाने को लेकर मैच के दौरान कोहली ने जबरदस्त निराशा जाहिर की। मैच खत्म होने के बाद भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें अंपायर और विराट कोहली के बीच इसी चीज को लेकर बहस हो रही है। तेजस्वी यादव द्वारा कल पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कोढ़ा में राजद कैंडिडेट बीमा भारती के लिए जनसभा के दौरान यह कहने पर कि या तो इंडी गठबंधन को वोट दीजिए या NDA को वोट दीजिए, इस पर पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव बिखर पड़े हैं। उन्होंने तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोसी और सीमांचल में इंडिया और NDA से मिले हुए हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने विपक्षी गठबंधन इंडिया से बात की थी, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में BJP के बड़े नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। अब BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बिहार में चुनावी रैली करने आ रहे हैं। बुधवार 24 अप्रैल को वे एक ही दिन में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भागलपुर, खगड़िया और झांझरपुर में NDA उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आरा उद्वंत नगर प्रखंड के कोहरा गांव निवासी योगेंद्र ओझा का बेटा है दीपू ओझा, जो मोबाइल पर गेम खेलकर करोड़पति बन गया है। रविवार को KKR और RCB के बीच ड्रीम 11 पर उसने टीम बनाई थी, जिसमें वह 1.5 करोड़ की राशि जीत गया। टैक्स काट कर दीपू के खाते में जीती गई राशि ट्रांसफर कर दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अचानक राजद नेता और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर भड़क गए। दरअसल तेजस्वी ने ED को भाजपा का जमाई बताया था। इस पर विजय सिन्हा नाराज हो गए हैं। विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह राजनीति का दुर्भाग्य है। CBI, ED और इनकम टैक्स को वह भाजपा का जमाई कह रहे हैं। चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार को जदयू प्रत्याशी अजय मंडल का प्रचार करने पहुंचे थे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि PM मोदी व CM नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार का लगातार विकास कर रही है। बिहार में पहले चरण के मतदान के रुझान ने बता दिया है कि राज्य की सभी 40 संसदीय सीटों पर NDA की जीत सुनिश्चित है। हाजीपुर पहुंचे अपने चुनावी क्षेत्र देर रात चिराग पासवान ने अपने नामांकन के तारीख का ऐलान कर दिया है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रम में शामिल होने चिराग पासवान पहुंचे थे। चिराग पासवान ने कहा है कि 2 मई को वह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित NDA के नेताओं के द्वारा हाजीपुर में की जाएगी। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की